मेरे अति प्रियो यीशु मसीह के नाम से अभिवादन करता हूँ। ये जगह कितने अच्छे सुंदर और प्रसन्न है ना। मैसूर की वृंदावन गार्डन है। परमेश्वर की सृष्टि के लिए स्तुति हो। लेकिन इतने सुंदर गार्डन को अच्छा से निगरानी करना है, उसको पूरा देखभाल करने के लिए प्रभु ने इस मनुष्यों को बुद्धि दिया है। स्तुति हो, क्योंकि दिन रात लाखों की लोग यहाँ पर आते और यहाँ के लोगों के लिए आशीष का कारण ये जगह है। और परमेश्वर ऐसे आशीष को दी है, आपको और मुझको भी परमेश्वर आशीष को रूप में रखने के लिए चाहता है। यदि आशीष का कारण रहेंगे तो परमेश्वर जरूर हमें सुरक्षा के साथ रखेंगे। आज अपने आप को औरों के आशीष का कारण बनने के लिए यदि आप अर्पण करेंगे तो परमेश्वर आपको आशीष देंगे। आप जहाँ रहते हैं आपको विरोध कितने भी उठ जाए, लेकिन प्रभु आपको सुरक्षित रखेंगे। दानियल 3:17 में सात्राक मेशाक अबेदनगो तीन जवान के बारे में वहां लिखी हुई, उन्होंने परमेश्वर के लिए दून दिखाया और परमेश्वर के राज्य के लिए इतना दून के साथ रहा, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें आशीष दिए, सुरक्षा के साथ रखा। उनको मालूम हो गया है राजा को दंडवत करने से ही बच सकते हैं, लेकिन उन्होंने आज्ञा नहीं मानी। उन्होंने कहा था प्रभु की आज्ञा मानना ही उचित है, यदि प्रभु हमें बचाए ना बचाए, लेकिन परमेश्वर को ही हम आज्ञा मानेंगे। राजा को इतना गुस्सा आ गया है, वो आग की भट्टा को 7 गुना गर्मी किया है और वहाँ पर उनको ढाल दिए, लेकिन प्रभु ने उनको सुरक्षा के साथ वहाँ पर बचाया, सुरक्षित उनको उस गड्ढे में से आग की भट्टे से निकाला। इस प्रकार धूम दिखाने वाले उस जवानों को प्रभु ने बचाई। आपका जीवन में हिम्मत से कहना, मेरा परमेश्वर सभी खतरों से बचाने वाले, मुसीबतों से बचाने वाले, कोई भी विपत्ति मेरे पास नहीं आएगा, कोई भी शैतान की शक्तियां मेरे विरोध कार्य कर नहीं सकता है, क्योंकि प्रभु जो बचाने वाले हैं सर्वशक्तिमान, वो मेरे साथ रहता, खतरों को छूने नहीं देगा, शैतान की मुसीबतें, शैतान की तीर मेरे पास नहीं आने देगा, क्योंकि परमेश्वर वो बचाने वाला मेरे साथ है। सरकार की आदेशों को देख के डरना नहीं, बचाने वाला तेरे साथ है। इसलिए हिम्मत से कहिए, बचाने वाला परमेश्वर मेरे साथ रहता है। शैतान की शक्ति से, बीमारी से, कमजोरी से और मेरे विरोध में हालातें बिगड़ चुकी है, वो सभी हालातों को ठीक कर सकता है और मेरे पैसा की कमियों को, आशीष को भी परमेश्वर पूरा करेगा। आज परमेश्वर आपको बचाएंगे। हे पिता, ये तेरा बेटा है, बेटी है, इनके सारे मुसीबतों से तू बचाना है। इस प्रार्थना का यीशु मसीह के नाम से मानते हैं पिता। आमीन, आमीन।